दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। आदर्श आचार संहिता के कारण मंडी शिवरात्रि महोत्सव से हटने लगी सरकारी प्रदर्शनियां। देवर सिद्ध में बाबा बालकनाथ चैत्र मास मेले का शुभारंभ, 13 अप्रैल तक सजेगा उत्सव। होली महोत्सव के लिए सजने लगा सुजानपुर, सड़कों और रास्तों की हालत में भी हो रहा सुधार। कुल्लू के सरवरी में 2 दिवसीय शिवरात्रि मेला संपन्न, 6 देवताओं ने भरी हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी में सरकारी विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अव्यवस्था का आलम नजर आया। जहां एक और प्रदर्शनियों को हटा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल भी खाली कर दिए हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सरकारी प्रदर्शनियों में आम जनता के लिए सजाई गई स्टॉल बेअसर हो गई है। रविवार के दिन मेले में लोगों की खूब भीड़ उमड़ने की सूरत में प्रदर्शनी का लाभ आम जनता को नहीं मिला है। बाबा बालकनाथ मंदिर देउर सिद्ध में रविवार को चैत्र मास मेला विधिवत रूप से आरंभ हो गया है। यह मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। जिलाधीश एवं बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास की आयुक्त देवा श्वेता बनिक ने विधिवत पूजा, हवन और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ मेले का शुभारंभ किया। मेले के शुभारंभ के बाद जिलाधीश ने मंदिर परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। केवल दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन के लिए मंदिर थोड़ी देर बंद रहेगा। पूरे तरह से जो मेला आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पे गेट नंबर 1 पे और 2-3 जो एंट्रीज है, मुख्य एंट्रीज, वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की जो है वो टेस्ट लगाई गई है। वहाँ पे आइसोलेशन के लिए भी अलग से जगह बनाई गई है, ताकि कोई इस तरह के श्रद्धालु हैं जो सिम्टोमेटिक हैं उनको अंदर ना जाने दिया जाए, वो वहीं पे रुकेंगे। इसी के साथ साथ पुलिस कर्मियों का जो है उनका डिप्लॉयमेंट भी काफी जगह पे किया गया है, ताकि क्राउड को नियंत्रित रूप से वो चला सके और ज्यादा एक जगह पे कोई क्लस्टर या भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। इसी के साथ साथ जो है प्राइवेट जागरण या खुले में प्राइवेट लंगर जो है उनको हम अलाउ नहीं कर रहे हैं टेम्पल परिसर के इर्द गिर्द। और जो लोग भी टेम्पल के स्टाफ हैं या इंटरनली जहाँ जागरण सरायों में भी हो रही है, वहाँ पे खाना बनाने वाले स्टाफ की भी टेस्टिंग की गई है और लगातार की जाएगी, ताकि कहीं से भी फैलने की जो है अतिक्रमण फैलने का जो है वो स्कोप 150 के करीब जो होमगार्ड के जो है जवान यहाँ पे रहेंगे, उतने ही तादाद में जो है पुलिस के लोग भी जो यहाँ पे तैनात हैं। कम से करीब 100 CCTV कैमरे पूरे परिसर में लगाए गए हैं, ताकि इस तरह के भीड़ भाड़ के समय पे कहीं चोरी का, कहीं कुछ और, कोई कभी बच्चे होते हैं साथ में वो इधर उधर भटकना जाए, इस तरह की जो है शिकायतें अक्सर रहती हैं, तो उस पे जो है नियंत्रण रख सके पुलिस और मंदिर प्रशासन। इसी के साथ साथ कंटिन्यूअसली माइक पे अनाउंसमेंट्स की जा रही है, एक हेल्प डेस्क सेंट्रली बनाया गया है कि कभी भी किसी को कोई असुविधा हो तो सीधा तुरंत जो है हमारे हेल्प डेस्क में संपर्क कर सकते हैं। मंदिर की सारी सराएं खोली गई हैं और उनको भी जो है सारे नियमों का पालन करते हुए उनकी बुकिंग की जा रही है, ताकि लोग जो है 4 दिवसीय राष्ट्रीय होली महोत्सव की तैयारियों को लेकर सुजानपुर प्रशासन सतर्क हो गया है। मेले के आयोजन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। विशेष रूप से सांस्कृतिक संध्या के आयोजन वाले स्थान, कला मंच और मेले के शुभारंभ वाले मुरली मनोहर मंदिर को चकाचक किया जा रहा है। वहीं शोभा यात्रा स्थल से लेकर रात्रि समारोह वाले स्थान वाले रास्ते को भी सही करवाया जा रहा है। बस स्टैंड पर जो भी गड्ढे पड़े हैं उन्हें भी भरने के निर्देश दिए गए हैं। सुजानपुर उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेटा की माने तो समय रहते तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है। जिला कुल्लू मुख्यालय सरवरी पार्क में शिवरात्रि मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। जिला कुल्लू मुख्यालय स्थित सरवरी पार्क में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में घाटी के आधा दर्जन देवी देवताओं ने शिरकत की। मेले के समापन अवसर पर महेश्वर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संगम महादेव कमेटी के अध्यक्ष दानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस साल पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कलाकारों द्वारा कुल्लवी नाट्य सहित समूह गान पेश किए गए। मैं सर्वप्रथम तो जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा कि ये मेला बहुत प्राचीन था,
लेकिन आर्थिक संकट के फलस्वरूप धीरे धीरे ये मेला मात्र एक रस्म रह गई थी। मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो भूतनाथ कमेटी बनी है और जब से देवता का काम इन्होंने संभाला है तब से लेकर इस मेले में बहुत विस्तार हुआ और आज इस स्तर तक पहुंचा है कि एक देवता के स्थान पर आज 6-6 देवता यहां पर इन्होंने जो है निमंत्रण दिया है और भोजन इत्यादि सब चीज़ की व्यवस्था की है। मैं इनको और इसमें विशेष योगदान श्री प्रेम कौंडल का रहा हुआ है स्वर्गीय और नंदलाल जी कौंडल, उस वक्त इसका सुधार आरंभ हुआ था और आज उनके सुपुत्र और सारी ये कमेटी इस मेले को इस स्तर तक पहुंचा सकती है और मुझे विश्वास है कि जो आगे आने वाले समय में ये अपनी बचत करेंगे देवता की आय से और सरकार से ग्रांट दिलाना हमारा काम होगा ताकि यहाँ पर बिजली से संचालित शब्दागृह बन सके।